लाइव टीवी एस प्लस द नंबर वन न्यूज चैनल। बलिया 56 पैकेट में कुल 280 कुंटल नाजायज गांजा, एक अदद ट्रक में 3 अदद कट्टा 12 बो, 6 अदद जिंदा व 2 अदद खोखा कारतूस के साथ 3 नफर अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में आज दिनांक 7 जुलाई को थाना उभाव जनपद बलिया अंतर्गत उप निरीक्षक उमा शंकर यादव, उप निरीक्षक लालजी पाल, मैं हमरा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग में चौकिया मोड़ तिराहे पर मामूर था कि एसओजी प्रभारी बलिया उप निरीक्षक श्री राजकुमार सिंह व एसओजी के उप निरीक्षक श्री संजय सरोज तथा सर्विलांस टीम के साथ मामूर थे। तभी मुखबिर खास ने आकर सूचना दी कि एक ट्रक जिसका नंबर UP 61 AT 2942 है, जिसमें निष्प्रयोज्य नारियल से भरी बोरी ट्रक में रखी है, उसमें छिपाकर नाजायज गांजा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ले जाया जा रहा है, जो नगरा के रास्ते बेलथरा रोड होकर मऊ जनपद को जाएगा। इस सूचना पर स्वात टीम प्रभारी व उनके हमराहियान द्वारा भी चेकिंग में सहयोग किया जाने लगा कि नगरा की तरफ से एक ट्रक तेजी से आता दिखाई दिया। चौकिया मोड़ तिराहे से नगरा की तरफ बने ब्रेकर पर टॉर्च की रोशनी डालकर देखा गया तथा ट्रक को रुकने का इशारा किया तो उक्त वाहन रुका तथा ट्रक पर सवार लोग जल्दी से उतरकर भागने चाहे कि उन्हें घेर कर हमराही कर्मचारी गणों ने व स्वात टीम की मदद से चौकिया से नगरा की ही तरफ कुछ दूरी पर करीब 10-15 कदम पहले सड़क पर ही पकड़ लिया गया। वहीं भागने का प्रयास करने वाले व्यक्ति का नाम पूछने पर अपना नाम विकास यादव उर्फ गुड्डू पुत्र गुलाबचंद सिंह यादव निवासी बखमरवा थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर तथा उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सोनू उर्फ सुनील कुशवाहा पुत्र राम नरेश कुशवाहा निवासी बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर तथा तीसरे ने अपना नाम अजीत चौबे निवासी आजमगढ़ बताया है। भागने का कारण पूछने पर हीला हवाली करने लगे तथा कड़ाई से पूछताछ की गई तो बताया कि साहब ट्रक के अंदर निष्प्रयोज्य नारियल के बीच गांजा छिपा कर रखा है, इसलिए पकड़े जाने की डर से भागने का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज दिनांक 7/7/20 को उभाव पुलिस एसओजी व सर्विलांस की टीम उभाव थाना अंतर्गत चौकिया मोड़ के पास रात्रि में अपराधियों के विषय में सूचना एकत्र कर रहे थे और वहां वार्ता कर रहे थे। उसी समय उन्हें यह सूचना मिली कि एक ट्रक चौकिया मोड़ से होते हुए आगे जाने वाला है, जिसमें नारियल लदा हुआ है किंतु अंदर उसके गांजा रखा हुआ है। इस सूचना पर विश्वास करके सतर्कता पूर्वक कुछ देर बाद आती हुई ट्रक को रोका गया। रात्रि में लगभग 4:05 पर ट्रक को रोका गया तथा क्षेत्राधिकारी सिकंदरपुर को सूचना दी गई। उनके समक्ष तलाशी ली गई, इसमें 280 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और अभियोग पंजीकृत कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाहियां की जा रही हैं।